आज मैं रावलपिंडी से स्पेशली आया था इमरान खान साहब के 26 नवंबर के जलसे के की तैयारियों के सिलसिले में उनसे हदायत और उनसे पूछने के लिए। ये पाकिस्तान की तारीख का 26 तारीख को एक तारीखी इज्तमा होगा लॉन्ग मार्च का, और इस बीमारी के हालत में और ज़ख्मी लात के, और अभी डॉक्टर्स उनको देख कर गए हैं, इसके बावजूद कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अभी आप सफ़र ना करें, वो 26 तारीख को रावलपिंडी में पहुंचेंगे और सारा पाकिस्तान रावलपिंडी में होगा। और हमारा मकसद, हमारा मुतालबा एक ही है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, ये नहीं कि एक लंबी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दी जाए। और हमारा मुतालबा है कि जो ज्यादतियाँ हुई हैं अरशद शरीफ शहीद के साथ, स्वाति साहब के साथ और शबाज के साथ, तमाम लोगों की और इमरान खान की FIR, ये सारे वो केसेस हैं कि जिस पर कानून का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कानून के चेहरे पर लोग हंस रहे हैं कि इस मुल्क में कैसा कानून है। इमरान खान एक वाज़े लाइन दे चुके हैं कि तैनाती से उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको मर्जी लगा लें, मेरिट पे लगाए। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर को हम होस्ट हैं, सारा पाकिस्तान इमरान खान का होस्ट है, और रावलपिंडी में तमाम लोगों को दावत दी जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा शरीक हों। और इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, पहले भी इमरान खान को मारने की साजिश थी, पहले भी ये कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई, और अभी इमरान खान की जिंदगी खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि सारे लोग दिन की रोशनी में इकट्ठे होंगे और हम इमरान खान को, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मगरब के वक्त से पहले पहले इमरान खान का खिताब सारी दुनिया सुन सके। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो एक तारीखी इनकलाबी जलसा होगा और पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़े होकर ये सबूत देगी कि हकीकी आज़ादी चाहते हैं, गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, 250 रुपए किलो टमाटर है, 200 किलो, 250 रुपए किलो प्याज है, लेकिन ये गरीब का मसला है, बिल गरीब ने देना है, गैस नायाब है। और इस मुल्क में जो ख्वाहिशें हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना ताला को मंजूर हुआ, ये जो नाकाम ना बलद बांझ ना आयन हुकमरान है, इन्होंने जाना है, इनका जी का जाना ठहर गया है, इनको जाने से कोई नहीं बचा सकता। और 26 तारीख को दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह, अवाम का समंदर होगा जो कि इमरान खान का रावलपिंडी में इस्तकबाल कर रहा है। पिंडी में अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। इमरान खान आईन और कानून के मुताबिक अर्ली इलेक्शन चाहते हैं और शफाफ। बिलावल ने सदर पाकिस्तान को धमकी लगाई है और आप समझ गए? सदके जाऊं, बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। बिलावल, बिलावल की बात कर रहा हूँ, उस बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ जनाब। ये मुंह और मैसूर की दाल और बिलावल और सदर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है, और 26 यौम इंकलाब है इमरान खान के लिए। बैकडोर मुज़ाकरात जो है, बैकडोर आरफ अलवी साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चलने चाहिए। सियासतदान सियासत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाम सड़कों पर है। 7 महीने से इमरान खान ये कोशिश कर रहा है, 7 महीने से उसने अपनी जान हथेली पे रख के गोलियां भी खाई हैं, और ये मजाक उड़ा रहे हैं कि 2 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं, ये तुम्हारा मसला है।
हमारा मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई। नवाज शरीफ ने आना हो तो उसके पास रेड पासपोर्ट है, उसका भाई वजीर आजम है। अब पता नहीं अगर कोरोना है तो अल्लाह उसको सेहत दे, अगर ड्रोना है तो उसको हौसला दे। मैंने कहा कि 30 नवंबर तक मैं टीवी से दूर हूँ, अभी मैं ट्विटर पे चला गया हूँ। पहली दफा मुझे पता नहीं था, मैं बहुत पहले ट्विटर पे चला गया था। मुझसे गलती हुई, मैं कौम के सामने माफी मांगता हूँ। मुझे इक्तदार में उतरने के बाद पता लगा ट्विटर कितना है। उनकी पाकिस्तान के लिए हिदमत के हवाले से क्या कहेंगे? देखें फयाज, फयाज और अदलिया पर मैं बात नहीं करता। इमरान खान ने 3 दिन पहले बड़ा वाज़े बयान दिया है कि तैनाती में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो भी आए मेरिट पर आए। मैं अदलिया और फौज को, दोनों मेरे अदारे हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। मुझे 7 महीने पहले खान साहब ने कहा था कि अगर किसी ने बात करनी है तो खान साहब से करे या अलवी से करे, इसलिए मैं बीच में से निकल गया। ऑन ओथ कहना चाहता हूँ, 7 महीने से ना मेरी किसी से बात हुई ना मुलाकात हुई, और मैं शुक्र गुजार हूँ। ये ड्रोन श्रोन चला रहे हैं लाल हवेली पर, वो ये नहीं चला रहे, फौजी नहीं चला सकते मेरे साथ। मैं उनका मशकूर हूँ कि मेरे खिलाफ उन्होंने ना मुझ पर दबाव डाला, ना असर अंदाज हुए, ना मुझे तंग किया। फौज भी मेरी है, अदलिया भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, सियासत इमरान खान के साथ है।